हाय फ्रेंड, वेलकम टू द डॉट इन। आज हम लोग बात करने वाले हैं दून बिजनेस स्कूल देहरादून की। आई एम श्योर आप लोगों को आइडिया होगा कि दून बिजनेस स्कूल देहरादून को यूनिवर्सिटी स्टेटस मिल गया है और अब इसका नाम DBS ग्लोबल यूनिवर्सिटी हो गया है। तो यूनिवर्सिटी आने के बाद आप कौन कौन से नए कोर्सेज यहां से कर सकते हैं उसकी हम डिटेल में बात करेंगे, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, आपको एडमिशन लेना चाहिए या नहीं ये भी हम डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा अगर आप यहां से BBA MBA करना चाहते हैं, BCA करना चाहते हैं तो उसके भी प्लेसमेंट के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अगर DBS ग्लोबल यूनिवर्सिटी को लेके या फिर DBS देहरादून को लेके आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर हमारे काउंसलिंग सपोर्ट फॉर्म पे क्लिक करके उसको फिल करके हमसे 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। गेट रेगुलर अपडेट्स ऑन कोर्सेज, कॉलेजेस, करियर एंड स्कॉलरशिप्स, सब्सक्राइब vidya.in। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि दून बिजनेस स्कूल देहरादून को अब यूनिवर्सिटी स्टेटस मिल गया है और अब इसका नाम DBS ग्लोबल यूनिवर्सिटी हो गया है। एज ए कॉलेज काफी रिनाउंड कॉलेज है देहरादून का, 2007 का एस्टैब्लिशमेंट है, AICTE UGC अप्रूव्ड है। लगभग 15 एकड़ के एरिया में इसका कैंपस बना हुआ है जो कि देहरादून की रेलवे स्टेशन से अप्रॉक्स 25-30 किलोमीटर की दूरी पे है। काफी सारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के साथ इसका स्ट्रेटेजिक अलायंस भी है। अगर हम रैंकिंग की बात करें तो बिजनेस वर्ल्ड ने इसको बेस्ट 20 स्कूल इन उत्तराखंड की रैंक दी है। उसके साथ साथ टॉप 85 बी स्कूल्स इन इंडिया एंड टॉप 30 बी स्कूल्स इन नॉर्थ इंडिया की रैंकिंग भी इसको मिली है। अब बात करते हैं कैंपस फैसिलिटीज की। तो कैंपस में आपको लगभग सभी फैसिलिटीज विद इन द कैंपस मिल जाती हैं। लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासरूम्स, लैब्स, हॉस्टल, कैफेटेरिया, मेडिकल फैसिलिटीज, जिम्नेजियम, गेम्स फैसिलिटीज, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, सभी फैसिलिटीज आपको विद इन द कैंपस मिलती हैं। DBS ग्लोबल यूनिवर्सिटी से आपको अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए काफी अच्छी स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। आपको 12th के मार्क्स के बेसिस पे, JEE मेंस के स्कोर के बेसिस पे एंड CUET के स्कोर के बेसिस पे यहां से स्कॉलरशिप मिल जाती है। इसके साथ साथ अगर आप उत्तराखंड से ही हैं, आपके पास उत्तराखंड डोमिसाइल है तो आपको लगभग 25% की ट्यूशन फीस में स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। अगर आप यहां से MBA करना चाहते हैं तो CAT, ZAT, MAT या फिर CMAT के स्कोर के बेसिस पे आपको काफी अच्छी स्कॉलरशिप मिल जाती है। अब हम बात करते हैं यहां के ऑफर्ड कोर्सेज की। तो अब ये यूनिवर्सिटी बन गई है तो काफी सारी फील्ड्स में काफी सारे कोर्सेज आप यहां से कर सकते हैं। आप इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मॉडर्न मीडिया दैट इज मास कम्युनिकेशन, फार्मेसी, एग्रीकल्चर एंड लिबरल आर्ट्स की फील्ड में आप यहां से कोर्सेज कर सकते हैं। अगर आप यहां से BBA करना चाहते हैं तो e-commerce, fintech, digital marketing, business analytics, entrepreneurship जैसे specialization से BBA कर सकते हैं। और अगर आप यहां से MBA करना चाहते हैं तो business analytics, digital transformation, human resource, finance, international business, media and creative communication, luxury, फैशन मैनेजमेंट जैसे स्पेशलाइजेशन से MBA कर सकते हैं। BTech में भी आपको यहां पर काफी सारे यूनिक स्पेशलाइजेशन मिलते हैं। आप CSE, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, उसके साथ साथ क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे स्पेशलाइजेशन से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर सकते हैं। अगर हम बात करें BCA की तो BCA में आपको डेटा एनालिटिक्स, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी, गेम एंड गेम डिजाइन जैसे स्पेशलाइजेशन भी मिलते हैं। DBS ग्लोबल यूनिवर्सिटी से आपको काफी सारे यूनिक सर्टिफिकेशन कोर्सेज करने का भी ऑप्शन मिलता है। ये अलग अलग कोर्सेज के साथ आपको ऑफर किए जाते हैं। आप यहां से SAP, SAS जो कि आपको MBA के साथ ऑफर किया जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, NISM सर्टिफिकेशन, फ्रेंच लैंग्वेज, HR एनालिटिक्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग, मशीन लर्निंग, जावा टेक्नोलॉजीज, उसके साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिटिक्स टूल्स, लग्जरी ब्रांड मार्केटिंग, बिग डेटा एनालिटिक्स, बिग डेटा, पाइथन, ई कॉमर्स जैसे सर्टिफिकेशन भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ के फीस स्ट्रक्चर की। तो अगर आप यहाँ से बीटेक करते हैं तो फीस लगभग 1,91,000 पर एनम की है। अगर आप एमटेक करते हैं तो फीस लगभग 1,11,000 पर एनम की है। बीबीए की फीस यहाँ की 1,91,000 की है। एमबीए की फीस भी यहाँ की लगभग 3,41,000 पर एनम की है। बीसीए आप यहाँ से 86,000 पर एनम की फीस में कर सकते हैं और एमबीए की एमसीए की फीस यहां की लगभग 1,11,000 की है। बीएससी एग्रीकल्चर की फीस यहां की लगभग 1,21,000 पर एनम की है और बीजेएमसी की यहां की फीस लगभग 1,61,000 पर एनम की है। अगर हम बात करें एडमिशन प्रोसेस की तो बीटेक या फिर बीबीए में एडमिशन के लिए 12th में 50% नंबर मार्क्स होने पर आप यहां पर एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। अगर आप यहां से बीजेएमसी या फिर बीसीए जैसे कोर्सेज करना चाहते
आते हैं तो 12th में 55% और मार्क्स होने पर आप यहां पर एडमिशन ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास 12th में मैथ्स नहीं है तो भी आपको यहां पर BCA कोर्स में एडमिशन मिल जाता है। अगर आप यहां से MBA करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन में 55-60% मार्क्स होने पर उसके साथ साथ मैट कैट सीमेट के स्कोर के बेसिस पर आपको यहां पर एडमिशन मिल सकता है। अगर हम बात करें प्लेसमेंट की तो लगभग 250+ कंपनीज प्लेसमेंट के लिए ऑनबोर्ड है। यहां का हाइएस्ट प्लेसमेंट 24 लाख पर एनम और एवरेज प्लेसमेंट लगभग 8,15,000 पर एनम का रहा है। यहां के टॉप 20% स्टूडेंट्स को लगभग 11,60,000 पर एनम का पैकेज मिला है। आपको यहां से ब्रिटिश पेट्रोलियम डिलॉयट DBS उसके साथ साथ ITC डाबर एशियन पेंट्स ICICI बैंक विप्रो जैसी कंपनीज में प्लेसमेंट आसानी से मिल जाता है। सी अगर हम ओवरऑल देखें तो दून बिजनेस स्कूल वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड मैनेजमेंट कॉलेज है तो BBA MBA के लिए तो काफी पॉपुलर है। MBA अगर आप यहां से करते हैं तो लगभग 7 से 7.5 लाख तक का एवरेज प्लेसमेंट आप यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अब ये चूंकि यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गया है तो आपको काफी सारे और भी न्यू कोर्सेज यहां पर मिलेंगे तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आई एम श्योर आने वाले टाइम में उन कोर्सेज में भी आपको काफी अच्छा प्लेसमेंट यहां पर देखने को मिलेगा। स्पेशली आप यहां से बीटेक CSC कर सकते हैं जिसमें काफी सारे यूनिक स्पेशलाइजेशन उसके साथ साथ आपको काफी सारे यूनिक सर्टिफिकेशन भी मिलते हैं। ऑल्दो बीटेक CSC का ये पहला बैच होगा बट आई एम श्योर जिस तरह की कॉलेज की रेपुटेशन है और जिस तरह का पास रिकॉर्ड है दून बिजनेस स्कूल देहरादून का प्लेसमेंट के लिए BBA MBA कोर्सेज के लिए आई एम श्योर बीटेक CSC में भी आपको काफी अच्छा प्लेसमेंट यहां पर देखने को मिलेगा। काफी सारे यूनिक सर्टिफिकेशंस भी ऑफर करते हैं, यूनिक स्पेशलाइजेशंस भी हैं और अगर देखा जाए तो ओवरऑल देखा जाए तो फीस भी काफी कॉम्पिटिटिव है। ओवरऑल यहां की फीस लगभग 1,91,000 पर एनम की है। काफी सारे यूनिक सर्टिफिकेशंस भी हैं और आपको 12th के मार्क्स के बेसिस पे JEE मेंस के मार्क्स के बेसिस पे अगर आप उत्तराखंड हैं तो उत्तराखंड डोमिसाइल स्कॉलरशिप भी आपको मिल सकती है। तो अगर आप बीटेक BCA BBA MBA जैसे कोर्सेज कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं या फिर आप लिबरल आर्ट्स में कोर्सेज देख रहे हैं मास कम्युनिकेशन में कोर्सेज देख रहे हैं तो डेफिनेटली एक बार आप DBS ग्लोबल यूनिवर्सिटी को जरूर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आपके मन में DBS ग्लोबल यूनिवर्सिटी को लेके या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी किसी कॉलेज को लेके कोई डाउट है तो आप मेरे से WhatsApp Instagram पे कनेक्ट करके या फिर हमारा काउंसलिंग फॉर्म फिल करके हमसे काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हैं। वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।